नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा एक वनस्पति है, उसका उपयोग आपके जीवन में किस प्रकार हो सकता है और ये कितनी गुणकारी औषधि है, कितनी गुणकारी वनस्पति है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एलोवेरा ये एक वनस्पति है, उसके बारे में। ये जो वनस्पति है ये आपको किधर भी आसानी से मिल जाती है, आप आपके घर पर भी आसानी से इसको लगाकर ये जो वनस्पति है उसके फायदे जो है वो आप ले सकते हैं दोस्तों। ये जो एलोवेरा है ये बहुत ही गुणकारी है और आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर आपके मुंह में छाले आते हैं, आपको कब्ज की परेशानी है, अगर आपकी त्वचा जो है वो बहुत ज्यादा पकती है तो उसके वजह से कुछ भी जो बीमारियां है उस रोगों के उपचार के लिए ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही अत्यंत गुणकारी है। यह जो मेडिसिन है दोस्तों ये पचने में बहुत ही भारी और ठंडा और चिकना और स्वाद जो है वो कड़वा रहता है दोस्तों। एलोवेरा के बहुत सारे उपयोग है, अगर महिलाओं में महावारी के सभी दिक्कतों में ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। तो दोस्तों, एक एक करके हम ये जो एलोवेरा है इसके फायदे के बारे में देखते हैं। तो सिर में दर्द हो रहा है आपके, बहुत ज्यादा सिर दर्द है, माइग्रेन जैसी तकलीफ है, तो उस वक्त ये जो एलोवेरा जो मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। ये जो एलोवेरा है उसके गुदे यानी कि एलोवेरा का जो जल है उसको थोड़ी मात्रा में लेकर दारू हल्दी में, हल्दी का जो चून आता है उसको उसमें मिलाकर ये जो मिश्रण है उसको आप गर्म कर ले और उसके बाद वो जिधर भी आपको हेडेक हो रहा है, जिधर भी आपको सर दर्द हो रहा है उस स्थान पर बांध दे, तो इससे आपकी वात और कफ से होने वाली जो सिर दर्द की तकलीफें है वो कम होने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। ये जो एलोवेरा है उसका गुदा यानी कि उसका जो जल है वो निकाल कर आंखों में लगाए तो आंखों में जो लाली है वो तुरंत दूर हो जाती है दोस्तों। जो गर्मी महसूस होती है आंखों में वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है दोस्तों। अगर विषाणु के होने वाले आंखों की जो सूजन है यानी कि हम उसको वायरल कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है दोस्तों। इसके साथ जो एलोवेरा का जो जेल है उसमें अगर हल्दी डालकर उसे थोड़ा गर्म करें और वो अपने आंखों पर अगर आप उसे बांधते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है दोस्तों। आंखों की जो लाली है, कुछ भी अगर इन्फेक्शन है उससे राहत पाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है ये एलोवेरा जो औषधि है, ये बहुत ही उपयुक्त है। ये जो एलोवेरा है दोस्तों इसका जो रस है वो निकाल कर हल्का सा गर्म कर ले और वो गर्म करने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा तेज कान दर्द है, आपका जो ईयर एक है वो बहुत ज्यादा है तो उसके अपोजिट वाला जो ईयर है उसमें दो बूंद डालने से कानों का जो दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाता है। ये जो एलोवेरा जो औषधि है दोस्तों ये आप खांसी और जुकाम में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एलोवेरा का जेल निकालकर आप सेंधा लवण जो है उसे लेकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके उसका भस्म तैयार करें और ये जो भस्म है ये 5 ग्राम की मात्रा में आप एक मात्रा में मनुका के साथ सुबह शाम इसका सेवन करें तो आपको जो भी पुरानी या फिर नई खांसी है या फिर जुकाम है तो उसको ठीक करने में बहुत ही मदद मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो एलोवेरा जो औषधि है ये आपके पेट संबंधी जो भी बीमारियां है उसमें भी बहुत ज्यादा उपयुक्त है। अगर ये एलोवेरा का जो जेल है वो निकालकर आपके पेट पर अगर आप बांधते हो तो पेट में जो भी गांठ अगर आई है आपके पेट में तो वो भी बैठ जाती है और इसी के साथ आपकी आंतों की जो भी क्रिया है, आंतों में जो भी मल जमा हुआ है वो सरलता से बाहर निकलता है दोस्तों। इसी के साथ ये जो एलोवेरा है ये 10 या 15 ग्राम आप उबाल ले और इसे छान कर आप भुनी हुई हींग इसमें मिला दे और उसको पीने से आपके पेट में जो दर्द है उससे आराम मिलता है दोस्तों। ये जो एलोवेरा है ये आपको पीलिया जैसी तकलीफ है, जॉन्डिस जैसी तकलीफ है तो उसमें भी बहुत ही गुणकारी है दोस्तों। अगर ये जो एलोवेरा मेडिसिन है, एलोवेरा जो औषधि है, इसको 10 या 20 मिलीग्राम जो उसका रस है एलोवेरा का उसे दिन में 2 या 3 बार पीने से आपकी जो पीलिया की तकलीफ है, पित्त नली की जो भी परेशानियां है वो उसमें बहुत ज्यादा लाभकारी है दोस्तों। इस प्रयोग से आपके आंखों में जो पीलापन है वो यानी कि पीलिया है उसको दूर करने में मदद मिलती है।
इससे आपको कब्ज से मुक्ति मिल पाने में भी मदद मिलती है दोस्तों। इसके रस के एक या दो बूंद आप नाक में डालने से भी इसका लाभ मिलता है दोस्तों। ये जो एलोवेरा औषधि है दोस्तों, ये मूत्र रोग में भी बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। एलोवेरा का जो जेल है वो 5 या 10 ग्राम अगर आप चीनी में मिलाकर दिन में 2 बार लेते हो तो आपको पेशाब करने में जो तकलीफ है उससे राहत मिलती है, पेशाब के समय होने वाली जो भी जलन है उससे आराम मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको चिकन पॉक्स जैसी तकलीफ है तो उसके अगर घाव आपके शरीर पर है तो उस पर आप ये एलोवेरा जो है उसका जेल जो है वो लगाकर आप निकालकर आप उसे उधर लगाते हो तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है वो जो घाव है वो भरने में। ये जो एलोवेरा वनस्पति है दोस्तों, अगर आपको जो भी चर्म रोग है, जो भी स्किन डिसीजेस है, जो भी स्किन इरप्शंस है उस पर आप ये जो एलोवेरा का जेल अगर लगाते हो तो ये जो चर्म रोग है वो ठीक होने में बहुत ही आसानी मिलती है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ये थे एलोवेरा के फायदे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि इनको एलोवेरा के जो फायदे हैं उसके बारे में पता चलेगा दोस्तों। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।